आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपका शरीर किसी ने जकड़ लिया, आपका शरीर कोई पकड़े है, जकड़े है। आप उठने की कोशिश करो, उठ नहीं पा रहे हो, आप बहुत उठना चाह रहे हो, आप हिल रहे हो मगर हिल नहीं पा रहे हो, और आप जो बहुत जोर लगा रहे हो उठने का, आप करवट लेने की जोर लगा रहे हो मगर आप नहीं ले पा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है कि दुष्ट आत्माओं की शक्तियां परिवार के ऊपर कैसे अटैक करती हैं, हमें कैसे मालूम होगा, हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम इन बातों को जान लेंगे कि दुष्ट आत्माओं की शक्तियां परिवार पे कैसे अटैक करती हैं, तब हमें उनसे बचने का रास्ता भी जो है वो दिखाई देगा, बचने का रास्ता भी बताएंगे, इसका समाधान भी बताएंगे, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों और उसका समाधान कैसे है। आज हम परिवार के लिए बात करेंगे, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर जो है वो शैतान का अटैक है, परंतु आज बात करेंगे परिवार के लिए। देखिए, परिवार के बारे में जब आप बात करते हैं, जब हम शैतान के अटैक की बात करते हैं, तो पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद हमने पढ़ा था कि शैतान जो है सबसे पहले कहां अटैक करता है, इंसान की बुद्धि के ऊपर। लिखा ना कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार करता हमारा है, उसका सुसमाचार जो है, सुसमाचार तेजो में सुसमाचार का प्रकाश जो है वह हम पर ना पड़े। शैतान जो है बहुत चालाक है, वो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जब वो बुद्धि पे अटैक करता है तो परिवार के अंदर जो है सब लोग जैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, आप सब बैठे हुए हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, बात करते करते वो वही बात जो है बहस का विषय बन जाती है अचानक, और फिर बहस का विषय बनते बनते वो लड़ाई में बदल जाती है, और परिवार के अंदर जो होता है वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये जो चीजें, ये स्थिति अगर आपके परिवार के अंदर है तो आप बहुत अलर्ट हो जाइए कि शैतान का अटैक जो है वो आपके परिवार पर हो रहा है, या इस तरीके की बातें अगर आरंभ हो रही हैं आपके परिवार में तो आप सचेत रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। तो यहां पर क्या होता है, दिमाग से कोई काम नहीं हो पाता है और सारे काम जो हैं इसी तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला अटैक जो है वो शैतान जो है या दुष्ट आत्माओं की शक्तियां जो है वो इंसान की बुद्धि पर करती हैं, जिससे परिवार के अंदर कलेश भी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा अटैक जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आज की स्थिति में अगर पैसा जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, जी हाँ पैसा, और जो शैतान जो है दुष्ट आत्माओं की शक्तियां जो है वो कहां अटैक कर रही है, वह हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर अटैक कर रही है, हमारे अर्निंग के साधनों को क्या कर रही है, खत्म कर दे रही है। हमारे अर्निंग के जो साधन है, जहां से पैसे की कमाई आती है, वो रास्ते बंद हो रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी नहीं है कि बहुत से परिवारों के अंदर पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है, मगर पैसा आया कहां चला गया पता नहीं चलता है, इतना पैसा आया वो कहां गया, परिवार के लोग एक दूसरे से पूछते हैं, अरे इतना पैसा दिया तो था तो मैं, वो कहां गया, क्या कर दिया, उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो पैसा क्या हुआ, कहीं किस्तों में चला जाता है, कहीं बीमारी में चला जाता है, कोई बहुत सी फालतू चीजों में जो है वो पैसा चला जाता है। तीसरा जो अटैक है, इसी आर्थिक स्थिति के कारण इंसान कहां चला जाता है, कर्ज में गिर जाता है। अब कर्ज जो है बहुत, देखिए कर्ज सब लेते हैं, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इतना कर्ज कि कर्जे में पूरा इंसान डूब जाए, पूरा परिवार डूब जाता है, और जब वो परिवार डूब जाता है और उस कर्जे में से उभरने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, शैतान यही करता है, क्योंकि वो निकलने के सारे रास्ते क्या है उसने बंद कर रखे हैं। आप कर्जा लेते हैं, आपकी कमाई आती है, ऐसा नहीं है पैसा आ रहा है मगर ये फलाने की किस्त देनी है, दिमाके की किस्त देनी है, ये किस्त देनी है, वो वाली किस्त देनी है, बिजली का बिल जमा करना है, मकान का किराया देना है, और जो बहुत से मकान के किराए में नहीं रहते उनके अपने मकान है तब भी बहुत सी समस्या है। तो इंसान कर्जे में डूबा है, कर्ज एक जो होता है एक कोड़ के समान है और एक श्राप के समान जो होता है वो होता है। फिर क्या होता है, परिवार के अंदर सब अच्छे खासे हैं, सब कुछ सही है, सारा सब सही चल रहा है, सब स्वस्थ हैं, अच्छा परिवार में साफ सफाई है, आपके अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, सब करते हैं, मगर अचानक बीमार हो जाते हैं,
और बीमारियां जो हैं वो अचानक जो है वो बढ़ने लगती हैं। अब ये बीमारियां जो हैं, ये बीमारियां आई कहां से? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बीमारियों का जो रूप होता है वो कई चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या आपके शरीर के अंदर खुजली उत्पन्न हो गई, आपके शरीर में दाग हो गए कि आप खुजा रहे हैं और इतना खुजा रहे हैं खून निकलने लगा, आपके चेहरे पे दाग धब्बे होने लगते हैं, आप जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब शैतान के हाथ में परिवार होता है या लोग होते हैं तो शैतान फिर वही काम करता है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान। और अय्यूब के साथ यही हुआ। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा अय्यूब 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। जब परमेश्वर ने कहा ठीक है वो तेरे हाथ में है, जब अय्यूब शैतान के हाथ में हो गया तब क्या हुआ, शैतान ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक फोड़ों से भर दिया। और वो फोड़े कौन से थे? वो खुजली वाले फोड़े, जैसे आपके शरीर के अंदर खुजली हो गई, खुजली वाले फोड़े जो हैं वो हो गए। और वो एक ठिकरा लेकर वो अपने उन फोड़ों को खुजाने लगा, क्योंकि खुजली बहुत मचने लगी आपके शरीर के अंदर। ऐसे ही बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। या कभी कदार क्या होता है, मान लीजिए अगर ये बीमारी नहीं भी है, ये खुजली नहीं है या दाग धब्बे नहीं है, तो आप कहोगे हमारे शरीर में तो दाग धब्बे नहीं, मगर अचानक आप बीमार हो जाते हैं। अब एकदम से अचानक आप बीमार हो गए, अब आप हो गए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, ये अचानक चलिए बीमारी आ गई, आपने डॉक्टर को दिखाया, अब डॉक्टर भी क्या कह रहा है, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही कि क्या है, क्या कहते हैं, ये क्यों दुबला होता चला जा रहा है, इसे भूख क्यों नहीं लग रही है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, और इसे प्यास क्यों नहीं लग रही है, इसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब डॉक्टर उस बीमारी को नहीं समझ पा रहा, क्यों? क्योंकि आपके सारे टेस्ट करवा लिए डॉक्टर ने, और जब उनने टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो सब नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल है। यही दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है कि आप बीमार तो हो परंतु आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आपकी रिपोर्ट जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये शैतान का अटैक है। और वो आपके आपके परिवार को जो है वो अंदर से क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ये बहुत मतलब भयंकर किस्म की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने घर के अंदर पेड़ पौधे लगाए, देखिए पेड़ पौधों का बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है, अच्छे अच्छे फूलों का लगाने का शौक होता है, आप उसके अंदर सुबह शाम पानी दे रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं कि आपके परिवार में जो पेड़ पौधे हैं वो या तो सूख जाते हैं या मुरझा जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है उनके सूख जाने का या मुरझा जाने का, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये शैतान के दुष्टात्माओं की शक्तियों का अटैक के चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने घर के अंदर जानवर पाल रखे हैं, अब आपने कुत्ता बिल्ली, बहुत से लोग पक्षी भी पालते हैं, जैसे तोता वगैरह जो है पाल लेते हैं, आपने पाले हुए हैं आपके घर के अंदर है, मगर अचानक दिन में या रात में आपके कुत्ते बिल्ली रोने लगते हैं, आपका कुत्ता बहुत भौंकने लगता है, जब आप देखते हैं तो वहां आपको कोई दिखाई नहीं देता है कि फिर ये किसके ऊपर भौंक रहा है, फिर ये कैसे मतलब भौंक रहा है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर कारण क्या है इसका, मगर आपको कारण समझ में नहीं आता है। कुत्ते रात में रोने लगते हैं, बिल्ली रात में रोने लगती है, या आपके जो पालतू जानवर हैं, चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो, वो अचानक मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब क्या है कि अच्छा खासा था ये एकदम से मर क्या, इसे हुआ क्या, आप इस टेंशन में होते हैं इसे हुआ क्या, आप इसके बारे में खोज करने लगते हो मगर आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर इसको हुआ क्या, ये क्यों मर गया, क्योंकि ये दुष्टात्माओं की शक्तियों का अटैक होता है। आपने देखा होगा कि जब दुष्टात्माओं की शक्तियों का अटैक होता है, आप घर में अकेले हो, कोई भी हो, आप चाहे आप हो चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर में कोई घूम रहा है आपके साथ, आप किचन में जा रहे हो वो आपके साथ किचन में है, आप कमरे में हो तो कमरे में है, आप बाथरूम में जा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है बाथरूम में कोई खड़ा आपको घूर रहा है, आपको एहसास होता है कि कोई जो है वो मेरे साथ है, इस चीज का एहसास होता है और आपको डर पैदा होने लगता है। शैतान यही डर पैदा कराना चाहता है और उसमें हर परिवार के लोग क्या होते हैं, फंसते चले जाते हैं, किसी के का जो होता है वो एहसास होता है। मैं आपको एक रेफरेंस जो है और दूंगा, रेफरेंस क्या दूंगा, अय्यूब 4 अध्याय उसका 15वां जब आप पद पढ़ेंगे तब लिखा है, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए।
अब देखिए जब अय्यूब जो था शैतान के वश में हो गया ना, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमेशा रहता था और उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर उससे बातचीत करता था, परमेश्वर उससे खुश था, मगर परमेश्वर जब उसके पास होता था या उसके पास से होकर गुजरता था तो कभी उसके रोंगटे खड़े नहीं हुए, कभी वो डरा नहीं। देखिए रोंगटे कब खड़े होते हैं, जब डर एकदम से पैदा होता है। तो अय्यूब के पास से भी कोई ऐसी भयंकर आत्मा गुजरी जिससे वो डर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा और ये जो चीजें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, आप रात में सो रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद सो रहे हैं, आप गए कि साफ सो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपका शरीर किसी ने जकड़ लिया, आपका शरीर कोई पकड़े है, जकड़े है, आप उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, आप बहुत उठना चाह रहे हो, आप हिल रहे हो मगर हिल नहीं पा रहे हो, और आप जो बहुत जोर लगा रहे हो उठने का, आप करवट लेने की जोर लगा रहे हो मगर आप नहीं ले पा रहे हो, ये क्यों होता है? देखिए यहां पर भी मैं आपको अय्यूब का 4:13-14 पद कहूंगा, रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गई, सब हड्डियां तक हिल गई। अय्यूब क्या कह रहा है, रात में वो सो रहा है, चिंता है, परेशानी है, टेंशन है, उसमें उसे नींद आ जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया, उसकी हड्डियां जो है वो हिल जाती हैं, वो परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीज क्यों, क्योंकि अय्यूब किसके हाथ में है, अय्यूब शैतान के हाथ में। आपका परिवार किसके हाथ में है, आपका परिवार शैतान के दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के हाथ में चला गया, और क्यों चला गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों चला गया और उससे कैसे बचा जा सकता है ये अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मगर पहले आप ये जान लीजिए कि शैतान की शक्तियों का अटैक कैसे हो रहा है, किस तरीके से आपके परिवार में जो है शैतान की शक्तियों का अटैक हो रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के किसी के ऊपर भी क्या है अचानक जो है वो सारी चीजें होने, आपका शरीर जकड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से फिर आप उससे बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज क्या है, यहां पर घर में रखी वस्तुएं जो है अचानक गायब होने लगती, आप अचानक गायब हो गई, आप कहोगे यहीं तो रखी थी, यहीं ढूंढ रहा था, यहां था ये सारी चीज, फिर अचानक आपको यहीं तो रखी, अभी मैं यहां देख कर गया और मैंने बिल्कुल सही देखा कि यहां पर नहीं थी, और फिर थोड़ी देर में आप आकर देखते वो चीज वहीं मिलती है अचानक। फिर आपके घर के अंदर अपरिचित वस्तुओं का, मतलब ऐसी वस्तुएं जो आपके परिवार में नहीं थी या उससे आपके परिवार का संबंध नहीं है उससे, वो वस्तुएं अचानक आपको दिखाई देने लगती है, आपके कमरे में दिखाई देने लगती, आपके आंगन में दिखाई देने लगती, आपके गेट पे, ये कहां से आई, ये कैसे आई, ये किसने डाल दिया, ये किसने फेंक दिया, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का जो है वो अटैक है, वो आपके दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का जो है वो अटैक हो रहा है। और इससे जो है अगर आप इससे नहीं निकले, अगर आपका परिवार इससे नहीं निकला तो आपका परिवार खत्म होता चला जाए। अब समाधान क्या है, देखिए समाधान इसका क्या है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहला समाधान इसका यह है कि इन चीजों के विषय में आप सोचना छोड़ दीजिए। जब आप इन चीजों के विषय में सोचना छोड़ देंगे, आप बहुत चिंता करना छोड़ देंगे और आप नॉर्मल रखिए अपने आप को, अपने दिल दिमाग को जब आप बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे तब आपको लगेगा हाँ जो है कुछ शांति आपके जीवन में आएगी। उसके बाद आप परमेश्वर के पास चाहिए, प्रभु के पास चाहिए और उससे प्रार्थना कीजिए। सबसे पहली प्रार्थना क्या होनी चाहिए, सबसे पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हमारी गलतियों को माफ कर, हमने जो भी गलतियां करी हम पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। देखिए जब आप इस तरीके की प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, गलतियों की प्रार्थना, अपनी गलतियां मानेंगे, आज दूसरे की नहीं अपनी गलतियां गिनाइए, तब क्या होगा, प्रभु आपके बीच में उपस्थित होगा। दूसरी चीज, आपके परिवार के अंदर शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि आपके परिवार के लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करें। शाम के समय की आपने 6 बजे का समय निर्धारित कर दिया कि सब लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे, तो उससे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले जो है, या 15 मिनट पहले भी या 10 मिनट पहले भी आपके परिवार में कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देगी दुष्ट आत्मा कि आप में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। ऐसी स्थिति जो है दुष्ट आत्मा पैदा कर देगी कि आप में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा और आप जो है आपस में लड़ लोगे, अरे हम नहीं करते प्रार्थना, अपनी प्रार्थना खुद कर लो, हम कर लेंगे अपनी प्रार्थना। मगर नहीं, यही गलती नहीं करना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो इसका मतलब क्या है, दुष्ट आत्मा जो है वो जीत गई आपके परिवार के ऊपर और फिर आपके परिवार के अंदर फिर वही क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, आप प्रार्थना करें और उस लड़ाई झगड़े के लिए फिर से क्षमा मांगे, 1 दिन, 2 दिन,
तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक, सात दिन तक आपके साथ डिस्टर्ब होता रहेगा, परंतु सात दिन के बाद जो है आपका जो है बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। कि परमेश्वर से जो है, परमेश्वर के आगे जो है प्रार्थना करें। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने हर एक प्रकार की देखे बुराई से दूर रहें, और अपने घर में पादरी को बुलाकर कम से कम आप महीने में एक बार तो प्रार्थना कराएं, अपना घर का शुद्धिकरण कराएं, अपना कराएं, और चर्च जाना जो है वो बिल्कुल बंद ना करें। ये सारी चीजें हैं। और खाने पी, और दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, शैतान की शक्ति का, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शैतान की शक्तियों का खाने पीने का, उठने बैठने का कोई समय नहीं रहता। खास तौर से क्या कहते हैं, खाना पीना तो पता नहीं खाते नहीं पीते, ये तो नहीं पता, मगर यह है कि उनका कोई समय नहीं रहता है। और यही चीज जब वो मनुष्यों के अंदर देखता है कि उनका कोई समय नहीं है, तो वो उस परिवार में और उस शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। अब कैसे कि आज हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का कोई समय नहीं है। जब जब मन चाह खा लिया, जब मन चाह पी लिया, जब मन चाह उठ गए, हम देर रात तक जगते रहते। शैतान का भी यही है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। और ऐसे ही जब हमारा समय निर्धारित नहीं होता है, तो शैतान पता क्या कहता है, अरे ये तो मेरे लोग हैं, देखो हमारा भी कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी भी समय कुछ भी कर लेते हैं, इनका भी कोई समय। आपका समय निर्धारित होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने खाने पीने का समय निर्धारित करें, आप अपने सोने का समय निर्धारित करें। ये नहीं है कि आप 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हैं और फिर सो रहे हैं, और रात में और सुबह जो है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं। तो ये समय जो है वो निर्धारित होना चाहिए आपके परिवार का, क्योंकि परमेश्वर का जो है वो हर एक समय निर्धारित है। आप सबो उपदेशक 3 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां परमेश्वर बिल्कुल साफ कहता है कि हर बात का समय है। और यदि आपके परिवार का समय नहीं है, तो इसका मतलब शैतान कहता है ये मेरा परिवार है, और वो आपके परिवार में घुस जाता है। तो ये समाधान है। और दूसरी चीज, मोबाइल और टीवी जो है, खास तौर से बहुत से भाई बहन मोबाइल देख रहे हैं रास्ते में चलते चलते और इधर उधर, हर समय मोबाइल में रहे, हर समय मोबाइल में भी नहीं। खाने का समय है रख दीजिए, सोने का समय रख दीजिए, फोन प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ होने चाहिए आपके, हैं, और आपको उस समय मोबाइल नहीं देखा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। इसलिए वो कहता है, मैं दो रेफरेंस पढ़ाकर आपको खत्म करूंगा, वो कहता है भजन संहिता 37 उसके 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और सबसे मेन और अहम बात जो है, याकूब 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब तक आप, आपका परिवार शैतान परमेश्वर के अधीन नहीं होगा, तब तक वो शैतान नहीं भागेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाइए। और यही समाधान जो है, यही है कि किस तरीके से हम अपने परिवार के अंदर से दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने, चलो जब तक आपके पास समस्या बनी है, 10 दिन 15 दिन के बाद आपकी समस्या खत्म हो गई, आपकी समस्या जो है दूर हो गई, और आपने क्या करा, आप प्रार्थना करना छोड़ दिया, आपका फिर वही ढर्रा जो है वही आ गया। मगर नहीं, ये आप बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, तो फिर वो लौट कर आती हैं एक बार देखने कि परिवार कैसा चल रहा है। जब वो देखता है कि अरे ये परिवार में फिर वैसे ही हो गया, तो वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लाती हैं, और आपके परिवार की दशा जो है पहले से और भयंकर हो जाएगी। इसलिए याद रखें, ये नहीं है कि आपने 10 दिन 15 दिन छोड़ दिया, फिर आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया, तो आप फिर अपने उसी ढर्रे पर आ गए। परमेश्वर के साथ बने रहिए और शैतान का सामना कीजिए, शैतान आपके पास से भाग जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।